नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी रणभूमि पर जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। इधर से राहुल गांधी मोदी सरकार पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं, तो उधर से बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार हो रहा है। हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला बोल दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। मामा के नाम से मशहूर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि कांग्रेस की ओर से खासकर राहुल गांधी जी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ एक सोचा समझा अभियान सा चलाया जा रहा है। एक ऐसा अभियान जिसकी जड़ें सिर्फ झूठ से निकली हुई। ये इस बात का प्रमाण है जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि राहुल जी झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। उनमें अभी राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। वो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को पता नहीं किस किस नाम से बुला रहे हैं, जिन प्रधानमंत्री की वीरता और निडरता का लोहा आज पूरा विश्व मान चुका है। सीएम शिवराज ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये पता नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ही सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। उन्होंने ही विदेशी आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, देश में ही छिपे देश के दुश्मनों को सजा दिलाई। ये सब आप आसानी से भूल गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी पर तंज मारते हुए शिवराज चौहान ने कहा, चीन से कैसे डील करना है अब राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री जी और देश की सेना को सिखाएंगे। क्या उनको हमारी सेना की बहादुरी पर भरोसा नहीं है? सच्चाई जानने के लिए अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो शिव अरूर का ये लेख पढ़िए। जब आज पूरा देश एक साथ खड़ा है, हम सब अपने अपने तरीके से चीन से लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप किसके साथ खड़े हैं राहुल गांधी जी? मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर कहे जाने की याद दिलाते हुए सीएम शिवराज ने कहा, आप ये मत भूलिए कि जब विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने 2012 में मनमोहन जी को अंडर अचीवर कहा था, तब देश के सम्मान को पहले रखते हुए मैंने कहा था, भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर हो ही नहीं सकता। राहुल जी, राजनीति को थोड़े समय का अल्प विराम दीजिए। आज देश को हर एक नागरिक की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं आपसे सच्चाई की उम्मीद करना सूर्य ग्रहण के समय पर सूरज को चांद के पीछे छिपने से रोकने जैसा कठिन। खैर, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं, और हाँ, सरेंडर के विषय में बात ना ही करें तो अच्छा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चीन को भी सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि देशभक्ति के भाव से भरकर चीन में बने सभी सामानों का बहिष्कार करें, साथ ही भारत में बने सामानों का इस्तेमाल करने पर जोर देने को भी कहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, आर्थिक रूप से भी हम उसको तोड़ेंगे।